Hello guys, today I will share you some important question and ये आपकी examination बहुत important है, तो start करते हैं। सबसे पहला है हमारा question, the cross magnetizing effect of the armature reaction can be reduced। तो armature reaction हम किस method से reduce करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी method है, उसके बाद हम इन ऑप्शंस में जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी मेथड है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, बट मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा होता है रिड्यूसिंग के मेथड में पोल शैम्फरिंग। पोल शैम्फरिंग में हम ये करते हैं कि जो हमारा एयर गैप है स्टार्टर और रोटर के बीच, हम उसकी एयर गैप को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि रिलक्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो हमारा आर्मेचर है, मतलब जो आर्मेचर रिएक्शन है उसमें कम होने लगता है। ये हमारी पहली मेथड है। सेकंड मेथड वो है हमारी, सेकंड मेथड है हमारी पोल कोर स्लॉटिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एयर गैप को बढ़ाते हैं। कैसे, जो हमारे पोल शू है, ये हमारा पोल शू है, उसको हम स्लॉट्स में कट करते हैं, देन यहाँ ये जो हमारा ये गैप है, तो ये एयर गैप को हम बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन है इससे ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारी दो मेथड है जिसमें हम एयर गैप का यूज़ कर रहे हैं। थर्ड जो हमारी मेथड है रिड्यूस करने की, वो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, इस तरह से कुछ हम पोल शू में भी हम क्या करते हैं, स्लॉट को कट करते हैं और उसमें कंडक्टर पुट करते हैं। उसमें कंडक्टर किस तरह से पुट करते हैं, अगर इस साइड क्रॉस है तो इस साइड हम डॉट करेंगे, ताकि ये जो आर्मेचर रिएक्शन इंड्यूस हो रहा है तो उसको कट सके, जिससे हमारा क्या हो रहा है, हमारे एम्पियन टर्न्स बढ़ने लगते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला हमारा है ऑप्शन फर्स्ट, मेकिंग पोल शू फ्लेट फेस्ड। तो हम फ्लेट पे इसमें तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सेकेंड हमारा मेकिंग द मेन फील्ड एम्पियर टर्न लॉन्गर कंपेयर टू द आर्मेचर एम्पियन टर्न। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारे आर्मेचर है उसको हम जो हमारे एम्पियन टर्न्स है उसको एज कंपेयर टू आर्मेचर टर्न के ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये हो सकता है क्योंकि हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग में यही कर रहे थे, हम अपने एम्पियर टर्न्स को बढ़ा रहे थे, जिससे कि वो रिड्यूस कर रहा था आर्मेचर रिएक्शन को। थर्ड है हमारा ऑप्शन इंक्रीजिंग द फ्लक्स डेंसिटी अंडर वन हाफ ऑफ द पोल। ये रिड्यूस करने की मेथड तो नहीं है, ये इफेक्ट है उसका एक टाइप का। कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ जनरेटर इन द सेम डायरेक्शन एज मोटर, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर बी है ये फर्स्ट का। सेकेंड आपका न्यूमेरिकल है, सेकेंड न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में है 500 वोल्ट, 10 पोल्स हैं, डीसी जनरेटर हैज़ अ लैब वाउंड। आपका कौन सा है, लैब वाउंड। लैब वाउंड में जो पैरेलल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो इक्वल टू पोल के होते हैं, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। तो लैब वाउंड आर्मेचर विथ 800 कंडक्टर इफ द पोल फेस कंडक्टर इन द ईच पोल ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग विल बी। इसमें हमें ईच पोल फाइंड करने हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग के। तो ईच पोल कंपनसेटिंग वाइंडिंग के जो हैं, इसका फॉर्मूला देखिए, मैंने ये इसमें लिखा हुआ है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग पर पोल इज इक्वल टू होता है जेड अपॉन ए पी इंटू पोल आर्क अपॉन पोल पिच। तो हमें इसमें सब गिवन है, हम उससे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको इसका पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, जेड अपॉन ए पी अपॉन पोल आर अपॉन पोल पिच। देखिए इसमें हमें पोल आर्क और पोल पिच दिया हुआ है, पर मैंने यहाँ क्वेश्चंस में आपको नहीं बताया है,
पर यहाँ पे दिया हुआ है आपको पोल पिच पोलार, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जेड जो दिया हुआ है, मतलब पी सबसे पहले पोल आपके कितने दिए हैं, 10 पोल्स दिए हैं। फिर नेक्स्ट आपका पोल आर्क और पोल पिच वो दिया है 0.75। और ये जो आपके नंबर ऑफ पैरेलल पार्ट इज इक्वल टू पी होता है, अब देखिए इसमें जो आपका आपको निकालना है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, तो हमने यहाँ जेड सी लिख लिया है। आपका फॉर्मूला है जेड आपके कितने दिए हैं कंडक्टर, आपको यहाँ पे गिवन है 800 कंडक्टर दिए हैं, तो 800 ये कंडक्टर आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपके 10 हो जाएंगे, क्योंकि पोल आपका 10 दिया है तो ये इक्वल होता है, तो ए आपका जो होगा वो भी 10 होगा। सॉरी यहाँ 10 लिखना था मुझे, 10 × 10 × आपका क्या दिया है 0.7, ये आपका पोल आर्क और पोल पिच दिया हुआ है 0.75। जब हम इसका इस पर इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 600 अपॉन 10 का 10 में इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 6। तो इससे हमने निकाल लिया आपका ईच पोल ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जो हमें निकालना था, क्या निकालना था, ईच पोल ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग जेड सी इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग इन डीसी मशीन। तो ये रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग का मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको पहले भी ये पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें जो आपका मैंने ये आपको बताया था टाइप्स ऑफ वाइंडिंग में, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग में आपको एक प्रोग्रेसिव वाइंडिंग बताया था और एक रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्या होता है, जो आपका बैक पिच होता है वो ज़्यादा होता है फ्रंट पिच से, और जो इसमें रिट्रोग्रेटिव में होता है वो बैक पिच कम होता है फ्रंट पिच से। तो यही आपका है, यही आपका यहाँ पे पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग इन डीसी मशीन। तो आपका आंसर है, आपका आंसर ये होगा, क्योंकि इसमें फ्रंट पिच रिट्रोग्रेसिव में फ्रंट पिच ज़्यादा होती है, तो आपका बी आंसर होगा। आपको पूछा गया है कि बैक पिच ज़्यादा होता है फ्रंट पिच से, बैक पिच कम होता है फ्रंट पिच से, या तो इक्वल होता है या तो फिर 0.5 फ्रंट पिच बैक ईएमएफ से ज़्यादा होता है, तो इक्वल होता है सॉरी इसमें। तो आपका करेक्ट आंसर ये है। फोर्थ आपका है और 250 किलोवाट 300 वोल्टेज, आपका ये किलोवाट दिया है, 300 वोल्टेज दिया है, पोल्स जो आपके हैं वो 6 पोल्स दिए हैं, डीसी जनरेटर है आपका, ये कौन सा वाउंड है, लैब वाउंड कंडक्टर है, जो कि कंडक्टर कितने दिए हैं 720 आपको कंडक्टर दिए हैं, ऑफ 2.5 एंगुलर डिग्री दी है, जो कि मैकेनिकल डिग्री जो आपको दी है एंगुलर वो है 2.5 फ्रॉम द जियोमेट्रिक न्यूट्रल, कैलकुलेट आर्मेचर करंट एंड कंडक्टर करंट रिस्पेक्टिवली। आपको इसमें आर्मेचर करंट निकालना है और कंडक्टर करंट निकालना है। तो आपको ये आपकी वैल्यूज दी हैं, आप ट्राई कर सकते हैं घर पे भी मेरे निकालने से पहले। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, आपको पता होगा यू नो दैट कि पी इज इक्वल टू होता है वी आई, तो हमको यहाँ पे निकालना है आर्मेचर करंट। तो हमारे पास वोल्टेज है, करंट हमारा कैसा है आर्मेचर, तो इसमें हम आई की जगह ए लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है पावर, गिवन है वोल्टेज, गिवन है प्लस हमारे पास जो
आर्मेचर करंट है वो गिवन नहीं है, तो इसमें हम आर्मेचर करंट निकाल सकते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर्मेचर करंट प्लस कंडक्टर करंट। तो हम पहले आर्मेचर करंट निकाल रहे हैं, तो हमारी पावर दी है 250 किलो वॉट है, तो इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आपका क्या दिया है, वोल्टेज कितना दिया है 300 वोल्टेज इंटू एम्पियर। ठीक है, आपका ये आर्मेचर 300 को हम नीचे ले जाएंगे तो 250 इंटू 10 का 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 300। जब आप इसमें इसका कट करेंगे डिवाइड करेंगे तो टोटल आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 833.3। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, तो आप इसे सॉल्व खुद से कर लीजिएगा, इजी है। थर्ड आपका जो है वो सेकेंड आपका क्या निकालना था हमें, कंडक्टर। हमने क्या निकाल लिया, आर्मेचर करंट निकाल लिया, अब हमें कंडक्टर निकालना है। कंडक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ठीक है, कंडक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कंडक्टर हमारा क्या करता है, ये हमारा कंडक्टर होता है जिसमें नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स होते हैं, तो हमें क्या निकालना है उसका आर्मेचर करंट प्लस आपका ये जो कंडक्टर लगे होते हैं कहाँ पर लगे होते हैं, पोल्स में, तो ये पी पर पोल पर। तो आपका आर्मेचर करंट कितना निकला है, 833.3 अपॉन जो आपका पोल है वो कितने हैं, पोल आपको यहाँ गिवन है, आपको 6 पोल दिए हुए हैं, तो आप ये 6 पोल जब आप इससे इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 138.9 एम्पियर। यह आपका हो गया, आपने कैलकुलेट कर लिया आर्मेचर करंट और रिस्पेक्टिवली कंडक्टर करंट। थर्ड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये, इसमें हमें कैलकुलेट करना है जनरेटर टू मोटर का स्पीड कैलकुलेट करनी है, जो कि आपको रेशियो में गिवन है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। और 220 वोल्ट दिया है आपको, आपका ये डीसी जनरेटर है, सप्लाई 400 किलो वोल्ट आपको सप्लाई दिए, टर्मिनल वोल्टेज आपका कितना है, जो आपको लोड है वो कितना है 220 वोल्ट है। द आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका 4.4 ओम है, इफ द मशीन इज नाउ ऑपरेटेड, आपकी मशीन ऑपरेट हो चुकी है एज अ मोटर एट द सेम टर्मिनल वोल्टेज, मोटर का भी जो टर्मिनल वोल्टेज है सेम है विद द सेम आर्मेचर करंट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ जनरेटर स्पीड टू मोटर स्पीड। आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है जनरेटर स्पीड और मोटर स्पीड का। नीचे आपको दिया है जो आपका फ्लक्स है, एज्यूम दैट द फ्लक्स पोल रेशियो इज मेड टू इंक्रीज बाय 50%। 50% आपका जो मोटर का है उसको इंक्रीज कर दिया है एज द ऑपरेशन इज चेंज अवर फ्रॉम द जनरेटर टू मोटर। तो हम सॉल्व करते हैं, आपकी ये वैल्यूज गिवन है, आप ट्राई कर सकते हैं पहले। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको इसमें क्या गिवन है, आपको पावर गिवन है, तो पावर आपकी कितनी है 4 किलो वॉट है। नेक्स्ट आपको वोल्ट गिवन है, वोल्ट आपका 220 वोल्ट है। आपको आर्मेचर करंट रेजिस्टेंस दिया है, आपको 0.4 ओम है। अब हमें पता है जनरेटर और जो आपकी जनरेटर की जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ईजी इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए, ये होती है, हम निकाल चुके हैं कई बार। अब हमें पता है जो आपकी जनरेटेड ईएमएफ है इसकी इक्वेशन क्या होती है, ईजी की पी फाई एन जेड अपॉन 60 ए, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे पी फाई एन जेड अपॉन 60 ए इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए। अब देखिए जो आपका इसमें
इसमें जो आपके पी जेड 60 ए ये क्या है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। पी जेड अपॉन 60 ए को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो हमारे पास क्या गिवन रहेगा, फाइ एन इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए। जब हम हमें एन निकालना है, इसको हम एन वन लिखेंगे क्योंकि जनरेटर का है ये हम जनरेटर का गिवन कर रहे हैं, ठीक है। तो एन वन इज इक्वल टू आपका निकल आया वी प्लस आई ए आर ए अपॉन ए फ्लक्स, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो, तो हम सेकंड निकालेंगे मोटर की। अब देखिए इसमें मोटर में आपका मोटर की इक्वेशन क्या होती है, ई जी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, ठीक है। जनरेटेड सेम एज करेंगे, जो आपका जनरेटेड ईएमएफ होता है वो कितना होता है, ई जी इज इक्वल टू होता है पी फाई एन जेड अपॉन 60 ए, ठीक है। तो इसमें हमने ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा पी पी जेड और 60 ए, ये आपकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइ एन, बस। तो आपने यहाँ पे लिया फाइ एन इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, ये आपने गिवन कर लिया। यहाँ से हम एन टू निकाल सकते हैं, ये एन टू हमारा हो गया v माइनस आई ए आर ए। हमने पढ़ा था यहाँ पे जो मोटर है हमारी 50% इंक्रीज़ की है, 50% इंक्रीज़ की है वैल्यू, तो हमारी जो फ्लक्स होगा अगर आप उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.50 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो 1.15 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हमने 50% इंक्रीज़ किया, उसकी वजह से ये वैल्यू आई फ्लक्स की, और v माइनस आई ए आर ए, आपकी ये दो इक्वेशंस निकल आई। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन टू हो गई, ये इक्वेशन वन हो गई। जब इक्वेशन वन और टू को हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसे निकलेगा, हमने क्या निकाला था, एन वन अपॉन एन टू निकालना है इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला है, ये देखिए वी प्लस आई ए आर ए अपॉन फ्लक्स, और इसमें वी माइनस आर ए अपॉन 1.15 फ्लक्स। तो यहाँ पे हम वही वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, वी प्लस आई ए आर ए इन टू यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1.50 फ्लक्स, वी माइनस आई ए आर ए, ये जाएगा आपका फ्लक्स। इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे, आपका वहाँ पे बताया था जो जनरेटर की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, जो आपकी वैल्यू है, वैल्यूज़ हैं वो सेम एज हैं, ठीक है। तो मोटर की भी वैल्यू सेम है, वोल्टेज सेम है हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा जो वोल्टेज आपका 220 वोल्ट है, आर्मेचर करंट है 18.80, और आपका जो रेजिस्टेंस है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.4 है, 1.5 इंटू फ्लक्स अपॉन, जब आप इसे निकालेंगे 220 माइनस 18.18 इंटू 0.4 फ्लक्स। जब हम इस पूरे टोटल को डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल निकलेगा 1.229, ये आपको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, आपका निकल आएगा जल्दी।
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ये देखिए, व्हाट अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टली कन्वर्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपकी इलेक्ट्रिक मतलब है ना डायरेक्ट कन्वर्ट करता है हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो कौन कौन से सेल्स हैं या फिर जनरेटर है? तो फ्यूल सेल्स तो ऑफ कोर्स नॉट, स्टीम जनरेटर ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि पहले हम वाटर को स्टीम करेंगे तब हीट में कन्वर्ट होगा। सोलर सेल ये भी नॉट, हम उसमें एनर्जी लेंगे तब वो हीट में कन्वर्ट होगी। तो बच्चा क्या आपका ऑप्शन मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर, हम इसका यूज़ करते हैं किसको, हीट को कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। गाइस जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे उसके आगे के ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, इन डीसी पावर ट्रांसमिशन विथ विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डीसी जनरेटर हुज फंक्शन इज टू इंजेक्ट और एड अ सर्टेन वोल्टेज टू सप्लाई वोल्टेज सो एज द कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप आई आर ड्रॉप इन ट्रांसमिशन फीडर। तो आपका आंसर ए है, वो क्यों है मैं आपको बताती हूँ। जो आपके डीसी ट्रांसमिशन लाइन होती है इसमें जो IARA ड्रॉप होता है, जिसके कारण क्या होता है आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, इस वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हम बूस्टर का यूज़ करते हैं। बूस्टर का यूज़ कैसे करते हैं, जो हमारा डीसी ट्रांसमिशन होता है उसमें हम जो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं डीसी ट्रांसमिशन लाइन के साथ डीसी जनरेटर को, और डीसी जनरेटर के अंदर क्या लगा होता है, बूस्टर, जो क्या करता है वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। तो यही होता है आपका, यही बूस्टर का काम होता है। आपके ऑप्शंस भी दिए हैं, फीडर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, तो ये सब कुछ नहीं करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को मतलब जो कम हो रहा है आपका ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज कम हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बूस्टर का यूज़ करते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन है, मैकेनिकल एनर्जी इज सप्लाइज टू अ डीसी जनरेटर एट अ रेट ऑफ 42 जूल पर सेकेंड, द जनरेटर डिलीवर 32.2 एम्पियर एट 120 वोल्ट, द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर, हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है जनरेटर की। अब जनरेटर की एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें पता है हमें क्या गिवन होना चाहिए, इनपुट पावर और क्या होना चाहिए, आउटपुट पावर, क्योंकि हमारा जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है, तो हम इससे ही निकालेंगे। तो हमें इनपुट पावर निकालने के लिए, हमें इसमें इनपुट पावर दी हुई है, ये देखिए, जो आपकी सप्लाई है टू द डीसी जनरेटर रेट ऑफ, तो आपकी सप्लाई क्या है, 4200 है जूल पर सेकेंड, तो आपकी सप्लाई मतलब इनपुट पावर हो गई। जब हम इसको वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4200 वॉट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, द जनरेटर डिलीवर, जो आपका जनरेटर हमें सप्लाई दे रहा है वो कितना है, 32.2 एम्पियर है और वोल्ट, तो जब हम इन दोनों का इंटू कर देंगे तो हमें वॉट में पावर मिल जाएगी, तो आउटपुट पावर 32.2 इंटू आपका 120 क्या है, वोल्ट है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें आउटपुट पावर मिल गई, इंटू कर दिया सॉरी ऐड नहीं किया, तो आपकी आउटपुट पावर आएगी
8.64 वॉट। जब हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। आउटपुट आपका कितना दिया है, ये रही आपकी आउटपुट पावर 3.864 वॉट अपॉन इनपुट कितना दिया है 4 to 200 वॉट इनटू 100%। तो आपकी टोटल एफिशिएंसी कितनी निकल रही है 92%, ये होगी आपकी एफिशिएंसी। ये आपका डी आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फॉर सिंप्लेक्स स्लेव वाउंड जनरेटर ईएमएफ जनरेटेड पाथ इज गिवन। जो आपको ये फ्लक्स है, आपका ये कंडक्टर है, ये आपका क्या है स्पीड है, रेवोल्यूशन, रोटेशन ऑफ रेवोल्यूशन मीन जो आपके आर्मेचर की है। तो आपको पता है आपका ये क्या है लैप बाउंड आपको दिया है। लैप बाउंड में आपके जो पैरेलल पाथ होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, पोल्स के। तो इसमें सिंप्लेक्स दिया आपको यहाँ पे 5ZN60 5ZN270 फ्लक्स ZN30। तो आपको पता है जो आपकी जनरेटेड ईएमएफ होता है, जो ये ईएमएफ है वो क्या होता है P5NZ/60A। अब यहाँ पे क्या है, आपका जो पोल रहेगा वही आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहेगा, सेम रहेगा तो ये आपका हट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा फ्लक्स ZN/60 वोल्ट, ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अ डीसी मशीन इन विच सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड, मतलब या तो कम्युलेटिव कंपाउंड होगा या तो डिफरेंशियल कंपाउंड, क्योंकि शंट और एक्साइटेशन दोनों में हम ये फील्ड यूज़ नहीं करते, जो वाइंडिंग है यूज़ नहीं करते। इन द पोल्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों क्या कर रहे हैं, एक फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं इन द सेम डायरेक्शन सो द रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग लोड। अगर आपका लोड इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है आपका जो फ्लक्स मतलब सीरीज फील्ड है, जो आपकी सीरीज फील्ड है और जो शंट फील्ड RSC ये आपका क्या हो रहा होगा ऐड हो रहा होगा, तभी आपका ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका कौन सा कंपाउंड हो गया, कम्युलेटिव कंपाउंड, ठीक है, आपका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये और डीसी शंट वाउंड जनरेटर रनिंग एट 800 आरपीएम हैज जनरेटेड ईएमएफ 200 वोल्ट अज्यूमिंग फ्लक्स पर पोल इज मेंटेन कांस्टेंट। इफ द स्पीड इंक्रीज टू 1500 आरपीएम द जनरेटेड ईएमएफ विल बी। जो आपकी जनरेटेड ईएमएफ है वो निकालना है, मतलब आपको E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2 निकालना है। अब इसमें आपका 800 आपको आरपीएम दिया है, स्पीड है आपकी एन 800 आरपीएम। सेकंड आपको क्या गिवन है, वोल्ट गिवन है, तो वोल्ट आपका क्या हो जाएगा ईएमएफ हो जाएगा 200 E1 हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट आपको 15 दिया है, ये आपकी N1 हो गई, N2 इज इक्वल टू 1500 आरपीएम।
तो ई टू आपको गिवन करना है, E1 इज इक्वल अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। E1 आपका दिया है 200 अपॉन E2 आपको निकालना है, इज इक्वल टू N1 दिया है 800 अपॉन क्या दिया है E2 आपको 1500 दिया है। जब इसमें आप E2 को इधर करेंगे तो 1500 इंटू 200 अपॉन 800 आपका टोटल आंसर आएगा E2 इज इक्वल टू 375 वोल्ट। तो आपका ये है 375 वोल्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका डीसी जनरेटर यूज फॉर वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन इज नोन एज। मैंने आपको बताया था वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बूस्टर का यूज़ करते हैं, बूस्टर का यूज़ करते हैं। अब इसमें बूस्टर का यूज़ हम कैसे करते हैं, मैंने बताया था डीसी जनरेटर को हम किस में करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज इज़ राइट आंसर। शंट है, कम्युलेटिव कंपाउंड है, डिफरेंशियल है, बट आपका सीरीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड है आपका, सॉरी नेक्स्ट है आपका लैप वाइंडिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर। जो आपकी लैप वाइंडिंग होती है वो किसके लिए सुटेबल होती है, वो आपकी लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए, मशीन के लिए सुटेबल होती है। लो वोल्टेज दिया है, लो करंट दिया है, हाई वोल्टेज दिया है, हाई करंट मशीन दिया है, हाई वोल्टेज, बट आपका ये राइट आंसर है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।